नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। तो हमारे स्नेहाध्याय के अध्ययन का फिर एक बार आरंभ करते हैं। आज का जो सूत्र विशेष है, कुल मिला के चार सूत्र, वो स्नेहा के नच, ये जो दो प्रश्न थे उसमें से दूसरे प्रश्न के उत्तर है कि जो कौन से व्यक्ति विशेष या अवस्थाई विशेष स्नेहन के योग्य नहीं होती है। के न स्नेहा, कौन स्नेह के योग्य नहीं होते हैं। सूत्र क्या है देखिएगा, संशोधना त्रुते येषां रुक्षणं संप्रवक्ष्यते न तेषां स्नेहनं शस्तम् उत्सन्न कफमेदसाम् अभिषण्णानन गुदा नित्यमन्दाग्नयश्च ये तृष्णा मूर्छा परीताश्च गर्भिण्यस्तालु शोषिणः अन्नद्विषश्छर्दयन्तः जठरामगरार्दिताः दुर्बलाश्च प्रतान्ताश्च स्नेहग्लाना मदातुराः न स्नेह्याः वर्तमानेषु न नस्तोऽस्ति कर्मसु कर्मसु स्नेह पानात प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणाः। यहाँ पे कुल मिला के उन्होंने तीन भिन्न भिन्न पायदानों में, तीन भिन्न भिन्न स्टेप्स में कौन कौन से व्यक्ति विशेष, अवस्था विशेष ये अस्नेह्य है, इनका वर्णन किया है। सबसे पहला जो सबसे प्रथम सूत्र है यहाँ के, सूत्र क्रमांक 53, उसमें उसका वर्णन है। फिर अभिषण्णानन गुदाः से लेकर न स्नेह्याः यहाँ तक दूसरा वर्णन है, और वर्तमानेषु न स्नस्तः, सो एक से कुल मिला के तीन बार नकार किया है। तो तीन प्रकार के वाक्य यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसका जो सबसे पहला वाक्य है वो थोड़ा वैशिष्ट्यपूर्ण है, उसका उसके बारे में थोड़ा सोच विचार बिल्कुल यहाँ पे सबके सामने प्रस्तुत करूंगा मेरा, क्योंकि उसमें जो मुख्यत्व वैशिष्ट्यपूर्ण टीका यही है चक्रपाणी की और उसी अर्थ के इंदु की। तो उसका व्यवहार अभी तक मैंने कभी किया नहीं है और थोड़ी संकल्पना भी नई सी है, तो सबसे पहले उसको देखते हैं। जो सूत्र क्रमांक 53 है, संशोधना त्रुते येषां रुक्षणं संप्रवक्ष्यते न तेषां स्नेहनं शस्तम् उत्सन्न कफमेदसाम्। अब इसका अन्वय कैसे लगेंगे पहले देखिएगा। येषां रुक्षणं प्रवक्ष्यते, प्रवक्ष्यते ये भविष्य काल वाचक रूप हुआ, यानी इस अध्याय के आगे किसी और अध्याय में रुक्षण योग्य व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। वो कहां पर है, तो वो चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 22 में है। वहां पर हमें रुक्षण व्यक्ति कौन कौन से है इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। और वो कहते हैं कि ये जो आगे चल के हम रुक्षण जिनके लिए कहा गया है उनका जो हम वर्णन करने वाले है, उनमें तेषां उनका संशोधना त्रुते स्नेहनम न शस्तम, संशोधन के बिना, रुते का अर्थ होता है बिना, विदाउट, संशोधन के बिना उनमें स्नेह न करना ये शस्त्र नहीं है, योग्य नहीं है। यानी जो रुक्षण योग्य व्यक्ति है उनका वर्णन किया जाता है आगे चल के, उनमें शोधन के बिना स्नेहन नहीं करना, ये इसका सरल अर्थ होगा। अब इसमें थोड़ा अधिक गंभीरता से सोच विचार करेंगे, तेषा मैंने किन का, उत्सन्न कफ मेदसाम ये उसका विशेषण है, यानी इसका अर्थ विस्तार कैसे होता है। जो रुक्षण योग्य व्यक्ति है आगे चलकर जो कहे गए हैं वो उत्सन्न कफ मेदस अगर होंगे, यानी उस उन उन व्यक्तियों में कफ दोष, मेद धातु इनकी अतिरिक्त वृद्धि होगी, तो उनमें संशोधन के बिना स्नेह मत कीजिएगा, ये इसका पूर्ण प्रकार से अर्थ होगा। तो इसका अभी एक जो रुक्षण योग्य व्यक्ति है वो कौन कौन सी है, तो वो सूत्र मैंने आपके सामने रखा है, अभिषण्णा महादोषा मर्मस्था व्याधयश्चये उरुस्तंभ प्रभृतयः रुक्षणीयः निदर्शिताः, ये सारे उस अध्याय में कहे गए रुक्षणीय इस प्रकार की अवस्थाएं हैं। अब इसकी टीका अगर देखने के लिए जाए तो गंगाधर कहते हैं तेषां संशोधने कर्तव्ये स्नेहनः कार्यः, इन सारी अवस्थाओं में अगर व्यक्ति उत्सन्न कफ, उत्सन्न मेद इस प्रकार का होगा तो उनमें
संशोधन करने के बाद आवश्यकता अनुसार स्नेहन कीजिएगा। किंतु चक्रपाणि और इंदु ये इसको और एलेबोरेट करते हैं। चक्रपाणि जी क्या कहते हैं, यदा तु शोधने न विरुक्षन्ते तदा परम शोधनांगः तत्र स्नेहः कर्तव्यः इति भावः। यानी जब शोधने न विरुक्षन्ते, जब उस व्यक्ति का रुक्षण शोधन के द्वारा होगा, शोधन यानी जो कर्म चिकित्सा में वमन विरेचन आती है वो शोधन कर्म, जब वमन विरेचन इत्यादि कर्मों के द्वारा जब उस व्यक्ति का विरुक्षण हो जाएगा, उसके बाद शोधन अंगा स्नेह कर्तव्य, उसके बाद फिर आप आगे के शोधन के लिए स्नेहपान कर सकते हैं या स्नेहन कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा सुनने के लिए कॉम्प्लिकेट लग सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा सुलभ करके समझने का प्रयास करेंगे कि देखिएगा उन्होंने क्या कहा कि जो उत्सन्न कफ मेद इस प्रकार के व्यक्ति है और जो नीचे के इंडिकेशन में बैठते हैं, उनका रुक्षण करना, जिनका रुक्षण कहा गया है, उनमें कभी भी शोधन के बिना स्नेहन मत कीजिएगा। किंतु कोई भी अगर शोधन करना है तो उसका एक जो अत्यंत आवश्यक पूर्व कर्म है वो स्नेहन है। फिर वमन विरेचन में स्नेह पाना होगा, निरोह बस्ती के लिए अनवसन बस्ती होगा, तो स्नेहन किए बिना प्रायः शोधन करना यह असंभव है। किंतु वो क्या कहते हैं कि शोधन के बिना उनमें स्नेहन नहीं करना है, तो शोधन तो करना है लेकिन स्नेहन नहीं करना, ये कैसी बात हो गई। तो इसके बारे में चक्रपाणि जी कहते हैं कि इसलिए इस अवस्था में जो नीचे के इंडिकेशंस है, और व्यक्ति अगर उत्सन्न कफो उत्सन्न मेद हो, तो उनमें जो सबसे प्रथम शोधन करना है, तब शोधन अंग स्नेह यानी शोधन के पूर्व जो स्नेहपात करना है या अनुवासन बस्ती देने हैं वो नहीं करना है। इंदु भी इसी बात को सुस्पष्ट रीत्या कहते हैं, अत्र शोधन प्रसंगे अपि अस्नेहनम स्नेहेन विना शोधनम। यानी इन अवस्थाओं में जब शोधन करने की बारी आएगी तो उनमें स्नेहन पूर्वक शोधन नहीं करना है, स्नेहन के बिना ही शोधन करना है। अस्नेहनम शोधनम, स्नेहन किए बिना शोधन करना है। अब ये बहुत बड़ी एक वक्तव्य है। व्यवहार में शोधन के बिना, स्नेहन के बिना शोधन करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो स्नेहन के कार्य है बहुत आवश्यक है। वात का निग्रह करना, उसमें बाद जिस द्रव्यों के द्वारा हम उस स्नेह को सिद्ध करते हैं, उनके द्वारा उसके व्याधि के संप्राप्ति का भंग होना, दोष दुष्य समूर्छना का विलग होना, शरीर में मार्दव स्निग्धता आना, सारी बातें ये स्नेहन की बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जो करने के बाद ही शोधन कार्य अच्छे से हो पाएगा। किंतु अगर हम बिना स्नेहन साक्षात शोधन की ओर बढ़े तो फिर शोधन कैसे होगा, क्या कोई आपत्ति हो पाएगी। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ के लेनी है कि ये उन्होंने कोई विशिष्ट अवस्थाओं में कहे हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं? एक तो रुग्ण के शरीर में पहले से ही कफ और मेद की अति प्रमाण में संचिति है, और उसके साथ साथ वो आगे की व्याधि है। वो कौन कौन सी व्याधि है? अभिषण, व्याधि यानी अवस्था विशेष है, अभिषण, महादोष, मर्मस्थ, ये सारे व्याधियों के उसके विशेषण है। अभिषण्णाः व्याधयः, ऐसा एक अर्थ हम ले सकते हैं उसका, यानी ऐसे व्याधि या इस प्रकार का व्याधि जिसमें अभिषण अभिषंद बहुत अधिक है। गंगाधर इसकी टीका लिखते हैं कि अभिषण अभिषंद यानी कितना अभिषंद, श्रूयमाण अक्षिनासादयः, नासा से आंखों से स्राव हो रहा हो, पानी बह रहा हो, इतना अभिषंद। अब ऐसे नासा इत्यादि बहिर्मुख स्रोतों में से अगर इतने बड़े प्रमाण में स्राव होता होगा तो यह किस बात का निदर्शक है? तो अर्थात केवल प्रतिष्ठा का नासा स्राव, ऐसे अपेक्षा यहाँ पे नहीं है। जब पूरे शरीर में अत्यधिक प्रमाण में अभिषंद होगा, और जब एक आधी टंकी उसमें पानी अगर भर जाता है और फिर उससे पानी नीचे नीचे बहना शुरू हो जाता है, उस प्रकार इतना क्लेद अगर शरीर में संचित हो कि अब क्लेद ये अक्षिनास आदि बहिर्मुख स्रोतों में से बहिर्प्रवृत्त हो रहा है, तो उसको यहाँ पे अभिषंद ऐसा कहा है। महादोषः, ये परिभाषा भी देखिएगा, प्रायः हम अल्पदोष, मध्यम दोष, बहुदोष, इन परिभाषाओं को देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे महादोषः इस शब्द का उपयोग किया है, जो इसका जो विशेषण है महान, वो बहु इस शब्द से, इस विशेषण से भी अत्यधिकता दर्शाने वाला है। यानी बहुदोषत्व की भी अत्यधिक अवस्था, आगे की अवस्था की, जिसमें दोषों का बल ये सर्वाधिक हो सकता है, जिसका हम उसकी इसका हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मर्मस्थः व्याधयः, मर्मस्थः व्याधयः
इसका जो सीधा साधा अर्थ है वो है मर्मों से, मर्मों के आश्रित जो होने वाले व्याधि होते हैं वो। अब कुल मिला के 107 मर्म होते हैं, ये हम सबको ज्ञात है। किंतु प्रायः जब हम चरक के अधिकरण में देखें तो वो मर्मों की व्याधियों की जब बात करते हैं तो मुख्यत्वे त्रिविध मर्मों की बात करते हैं, शिरो, हृदय और पस्थि। तो यहाँ पर उन स्थानों के मुख्य व्याधियों की अगर उपस्थिति हो तो ऐसा एक हम उसका अर्थ ले सकते हैं, या एक और अर्थ ले सकते हैं कि बहुत बार मर्म ये केवल शब्द का उपयोग किया गया तो हृदय इसका भी केवल ग्रहण किया जाता है। तो इसके ये भिन्न भिन्न संभाव्य अर्थ हो सकते हैं। अब इस पहली पंक्ति में से जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं उनमें विदाउट स्नेहन चोदन करने के बारे में क्यों सोच सकते हैं? तो जो इसके पीछे जो मेरा मंतव्य है वो मैं कहता हूं, मैंने प्रथम कहा वैसे कि ये थोड़ी अलग बात है, एक अलग प्रिंसिपल है जिसके बारे में अभी तक कभी अधिक मेरे तरफ से भी सोचा नहीं गया। हाँ कभी कभी किसी के साथ चर्चा होती है या कभी कोई इससे प्रश्न लेके आता है तो बात होता है, हो जाती है, किंतु इसका अभी तक इस प्रकार से रुगण ना देखने के कारण और इसका व्यवहार में उपयोग करने की बुद्धि ना होने के कारण इसकी अन्य सिद्धांतों के तुलना में कम क्लैरिटी है, ऐसा मैं यहाँ पे कमिट करना चाहूंगा। लेकिन जो भी मेरा मंतव्य है, मेरा ओपिनियन है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि भाई इन अवस्थाओं में विदाउट स्नेहन शोधन क्यों करने की आवश्यकता होती होगी। तो अभिछंद देखिएगा, हम स्नेहपान जब करते हैं मुख्यतः, अभी ये सारे व्याधि अगर आप देखो अभिछंद है, नीचे वो उरुस्तंभ प्रवृत्ति, उरुस्तंभ इत्यादि यानी आढ्यवात प्रमेह इत्यादि, ऐसे चक्रपाणी कहते हैं। तो इनमें सामान्य बात क्या है? इनमें सामान्य बात है कि इसमें कफ का अत्यधिकत्व है, उसमें क्लेद स्राव इनका अत्यधिकत्व है। और हम ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ ऐसा होता नहीं कि वहां पे स्नेहपान नहीं कर सकते, हम प्रमेह हमें कुष्ठ में जहां जहां पे स्रावाधिक्य है या क्लेदाधिक्य है वहां पे हम स्नेहपान करवाते हैं पूर्व कर्म स्वरूप, वहां पे हम कफ दोषों के विपरीत द्रव्यों से सिद्ध करके स्नेहपान दे सकते हैं। तो केवल क्लेद है या केवल कफा का आधिक्य है इस कारण हम घृतापान नहीं करेंगे, स्नेहपान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। किंतु यहाँ पर कफ क्लेद इनका बल ये सर्वोत्कृष्ट है, अत्यधिक है, तो यहाँ पे संभावना क्या रहती है? अगर शोधन के लिए भी हमने उनको वहां पे स्नेहपान देने के प्रयास किया तो उस स्नेह से ये इतना जो शरीर में भरा पड़ा क्लेद कफ है उसकी वृद्धि होने की संभावना ज्यादा होगी। जैसे कि स्थूल में कहा गया है, यथा मेधा उपचीयते न तथा इतर धातवः, जिस प्रकार उनमें मेद का उपचय होता है उस प्रकार अन्य धातुओं का उपचय नहीं हो पाता। उस प्रकार की कुछ मानव अवस्था यहाँ पे आ जाती है कि आप कितने भी अच्छे प्रकार का स्नेह देने का प्रयास करो उसको, उस स्नेहन जो शरीर में अत्यधिक प्रमाण में कफ क्लेद आदि भरे पड़े हैं वो उस सिद्ध स्नेह को, फिर वो तैल होगा घृत होगा, उसको उसका कार्य करने का अवसर देंगे ही नहीं, बल्कि अपितु वो उस स्नेह से स्वयं के क्लेद का कफ का बल बढ़ा सकते हैं। अतः इन अवस्थाओं में अभिछंद होगा या अड्यवात इत्यादि अवस्थाएं होंगी कि जिनमें कफ का बल बहुत अधिक है, द्रवत्व आर्द्रत्व क्लेद बहुत अधिक है, वहां पे सबसे पहले हमें स्नेहपान के बिना जो भी दोषों का उत्क्लेश है, क्योंकि अगर इतना स्राव है तो अर्थात कुछ अल्प प्रमाण में जो कफ का इतना बड़ा संचय है उसका एक आंशिक हिस्सा तो बिल्कुल बाहर आ सकता है। तो पूर्व कर्म किए बिना जो कम अल्प प्रमाण में अधिक प्रमाण में जो भी उपस्थित कफ दोष होगा, क्लेद होगा, द्रवत्व होगा, उसको एक सौम्य शोधन से या योग्य प्रकार के द्रव्यों की निश्चित करके शोधन देने से क्लेद स्राव कम करने के बाद जब उस कफ क्लेद का बल कम हो जाएगा तब हम उसको स्नेहपान देके फिर एक बार शोधन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रायः इन थियरी दो बार शोधन करवाना पड़ सकता है, एक तो सबसे पहले जो अतिरिक्त कफ क्लेद का हिस्सा है जो स्नेहन नहीं होने देगा उसको वैसे ही बाहर निकलवा देना, फिर वो केवल स्वेदन पूर्वक करवा लेना, या कभी उसको स्नेहपान के बिना सद्य शोधन के प्रमाण में बाहर निकालना। और उसके बाद जब ये एक अवस्था पहले निकल आए, उनका एक ग्रेडेशन कम हो जाए, तो उनको स्नेहपान पूर्वक वमन या विरेचन दे सकते हैं। यही तर्क कुछ हद तक हम महादोष इसके लिए भी लगा सकते हैं। जब दोष ये सर्वोत्कृष्ट प्रमाण में उपस्थित हो, अगर वो एक से ज्यादा हो, मुख्यत्वे कफ पित्त वात इनका संघात हो, इसमें इसमें से दो या तीन दोष हो, तो होता क्या है? मैंने कही वही बात की स्नेहपान ये वहां पे अपना कार्य कर नहीं पाएगा। अगर हम उसको इस महादोषों की संमूर्छना भंग करने वाले द्रव्यों से सिद्ध करके भी दे तो इन दोषों का बल इतना होगा कि
कि वो स्नेह को परास्त करके उसका कार्य नहीं होने देगा समोचना भंग का, अपितु तो उस स्नेह का उपयोग करके दोषों की मूल वृद्धि कराएगा। तो इनमें भी स्नेह पान या स्नेहन पूर्व कर्म के बिना कुछ अंश तक शोधन करवा के लेना चाहिए। महादोषों की अवस्था अगर बहुदोष तक कमाई तो उसके बाद फिर हम प्रायः जिस प्रकार से स्नेहपान पूर्वक शोधन करते हैं उस प्रकार से हम कर पाएंगे। तो ये इसका एक प्रायिक तर्क होगा ऐसा मेरा मानना है। कि फिर भी ये मैंने कहा वैसे कि मेरा ये लास्ट वर्ड होगा ऐसा मैं बिल्कुल आग्रह नहीं करता, इसलिए मैंने प्रश्न चिन्ह रखे हैं कि भाई ये सोच के अलावा भी किसी को और कोई बात सूझे, किसी ने और कुछ सुना हो तो उसके बारे में भी विचार करना ये आवश्यक है। और मरमस्था व्याधा, ये तो उससे बड़ा प्रश्न है। इसके पहले भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने भिन्न भिन्न अवसर से मुझे ये बात पूछी थी कि मर्मस्थ व्याधि ये रुक्षणीय क्यों है। तो मैंने जो अलग अलग उसके उत्तर भी ढूंढने का प्रयास किया, लोगों के ओपिनियन सुने, उसमें से मुझे वही व्यक्तिशः कोई भी कन्विंसिंग उत्तर नहीं मिला। एक ओपिनियन ओपिनियन ऐसा था कि मर्मस्थ व्याधि है उनको वात से भय अधिक होता है, जो चरक सिद्धिस्थान अध्याय क्रमांक 9 में सुस्पष्ट रीत्या दिया है कि वात से सर्वाधिक भय ये मर्म को होता है, मर्म को सर्वाधिक भय ये वात दोष से होता है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसलिए वात को जो आगे चलकर स्नेहन संवेदन आदि उपक्रम करने हैं वो अच्छे से हो, इसलिए उसके पहले उसको रूक्ष उपाय करने की आवश्यकता होगी इसलिए। किंतु अगर ये तर्क होगा तो ये तर्क सारे स्नेहन संवेदन साध्य व्याधियों के लिए होगा, केवल मर्म के लिए नहीं रहेगा ये। तो ये तर्क है ये अपर्याप्त है ऐसा मेरा मानना है। अतः यहाँ पे मर्मों का अर्थ अगर केवल हृदय लिया तो हृदयस्थ व्याधि जो प्रायः कफस्थान के व्याधि है उसमें ये बात सोच सकते हैं। अब किंतु ये फिर भी बहुत थ्योरेटिकल आंसर हो जाता है, इसका व्यवहार और इसके पीछे का तर्क ये अभी तक मुझे पूर्णता से समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह करके रखा है कि मर्मस्थ व्याधियों में रुक्षण क्यों करना अपेक्षित है। तो इसका अगर किसी को कोई उत्तर कई संदर्भ मिला तो बिल्कुल हमसे साझा कर सकते हैं। अभी के लिए एक ओपन एंडेड क्वेरी इस प्रकार से यहाँ पे रख देंगे। और नीचे मैंने कहा वैसे कि उरुस्तंभ प्रभृतया, उरुस्तंभ जिसमें कोई सी भी प्रकार का स्नेहन का उद्देश्य आरंभ में नहीं आता, अंत में उसकी कुछ अवस्थाएं आ जाती है, तो ये सारे रुक्षणीय है, इनमें स्नेहन नहीं करना है। इनमें सबसे पहले जो अगर अवस्थावशात शोधन करना है तो वो स्नेहन के बिना करना है। उस शोधन के बाद जो भी शेष कफ बच जाए उसके लिए फिर आप स्नेहपान पूर्वक शोधन प्लान कर सकते हैं। ये सारे चर्चा का क्रक्स सार हुआ। अब उर्वरित 3 सूत्र देखते हैं। अभिषण्णान गुदाहा नित्य मंदाग्नयाश्चये। अभी ये सारे जो अवस्थाएं हैं उसके लिए उन्होंने केवल न स्नेहा इतना ही वर्णन किया है, यानी ये सारे स्नेहन योग्य नहीं है। वो अभी क्यों क्यों नहीं है वो हम सकारण देखते हैं। अभिषण्णान गुदाहा जिनके मुख से और गुद से अभिषंद हो रहा है, जो बात हमने अभी अभी रुक्ष के बारे में रुक्षणिया के बारे में देखी थी कि जो अभिषण अक्षिण आशा इत्यादि गंगाधर जी की टीका है, वही तर्क यहाँ पर भी है कि अभिषंद का अर्थ है कि शरीर में इतना अधिक प्रमाण में क्लेश संचिति है कि उसका परिस्रव ये मुख से गुद से हो रहा है। मुख में बार बार लाला स्राव आना, प्रसेक होना, ष्ठीवन की संवेदना होना, गुदस्थ क्लेश संचिति होना, वहां पे कंडू होना, वहां पे पिच्छा प्रचिति होना, ये अगर शरीरस्थ द्रव प्रधान श्लेष्मा अगर बहुत अतिरिक्त हुआ, अगर शरीर में पूर्णतः वो पूरित तो हो गया तो वो बहिर्मुख स्रोतों में से बाहर आने का प्रयास करेगा। अतः अभिषण आनन यानी मुख और गुद ये उस द्रव प्रधान श्लेष्मा के निदर्शक है, और अगर ऐसा कफों की अवस्था होगी तो अर्थात वहां पे स्नेहन की कोई गुंजाइश ही नहीं, वहां पर हमें रुक्षण ही करना पड़ेगा। ये हो गया अभिषण्णान गुदाहा। फिर नित्य मंदाग्नयः, नित्य मंदाग्नयः यानी ये नित्य जो महीनों से जिनका अग्नि मंद है, इतना जिनकी रेगुलरिटी है मंदाग्नित्व में। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगाधर जी बहुत सुंदर बात करते हैं, वो कहते हैं कि नित्य मंदाग्नि से उनको क्या कहना है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें नित्य रूप से अग्नि मंद है, ना कि ऐसे व्यक्ति जिनमें क्वचित मंदाग्नि होता है। तो अगर क्वचित मंदाग्नि रहा तो वो स्नेहन योग्य हो भी सकता है, किंतु अगर रेगुलरली जिनका अग्नि मंद है उनके लिए आप तुरंत स्नेहन का शुरू उपयोग शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नित्य मंदाग्नि रहा तो उसका अच्छे से जरण ये स्नेह अग्नि नहीं कर पाता है स्नेह का, और उससे स्नेह व्यापक का भय रह जाता है।
तृष्ण मूर्छा परीताश्च, तृष्णा परीत मूर्छा परीत, या तृष्णा और मूर्छा इनसे पीड़ित, जिनको तृष्णा मूर्छा इन लक्षणों ने घेर लिया है ऐसे। अब तृष्णा का हमने जो एक तर्क देखा था कि स्नेहपान के दरमियान जब हम स्नेहन का सेवन करते हैं तो उसके जरण के लिए जो हमारे शरीर में क्लेदक कफ होता है या अन्य द्रव धातु होते हैं कोष्ठ में, उनका आवश्यकता उनकी आवश्यकता होती है। और इसलिए परिणमन में आप देखोगे कि स्नेहपान के दरमियान तृष्णा वृद्धि होती है पच्चमान अवस्था में। ऐसा क्यों? क्योंकि स्नेह को पचाने के लिए आमाशयस्थ जो भी क्लेदक कफ है या अन्यत्र भी जो क्लेद है उसका उपयोग किया करके लिया जाता है पचन के दरमियान। अतः स्नेहपान के दरमियान भी तृष्णा आधिक्य होता है। और अगर आप तृष्णा आधिक्य पहले से है, तृष्णा नाम का व्याधि है, ऐसे अवस्था में अगर आप उसको और स्नेहपान दे तो क्या हो जाएगा? तो अर्थात तृष्णा की अभिवृद्धि हो सकती है। अतः तृष्णा व्याधि में स्नेह या अनर्ह है और उसके साथ साथ मूर्छा। डलन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मूर्छा इस व्याधि में अगर आप स्नेहन दोगे तो उसमें मूर्छा भी वृद्धि हो जाएगी, वहां पे मार्ग का अवरोध और अधिक हो जाएगा। मूर्छा इसका एक प्रमुख जो हेतु है वो है मलिन आहार, जिससे प्रायः त्रिदोष प्रकोप होता है। अतः ऐसे अवस्था में आरंभ में स्नेहन करना ये योग्य नहीं होगा, उससे अनुपशय हो सकता है, मूर्छा भी वृद्धि हो सकती है, इसलिए इसमें भी स्नेहन करने लायक अवस्था नहीं है। तालु शोषिणः गर्भिणी, आई एम सॉरी, अभी गर्भिणी में भी कैसा होता है? तो गर्भिणी में भी अग्नि का बल ये भेड़ होता है, कुछ गर्भिणियों में मंद होता है, उनका अभ्यवरण बढ़ता है, किंतु अग्नि उतना ही अच्छे बढ़ेगा ऐसी अपेक्षा बहुत बार नहीं रख सकते। उसके साथ साथ उनके शरीर में जो रस का कार्य है वो भी बढ़ जाता है। रस का जो स्तनों का पोषण, स्तने स्तन्य के पोषण के लिए कार्य शुरू कर देना, गर्भ का पोषण करना, स्वयं गर्भिणी का पोषण करना, इसमें रस वृद्धि हो जाती है। और अतः यहाँ पर कफ का द्रव धातु का बल शरीर में बढ़ जाता है और ऐसी अवस्था में बहुत बार अग्नि का बल तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। उसके साथ साथ इसलिए अगर अब उसको सर्वथा सर्वदा प्रथम प्रथम मास से लेके अंतिम मास तक स्नेहन अत्यधिक प्रमाण में करे तो एक तो अग्निमान्द्य का भय रहता है, दूसरा शरीर में क्लेद द्रव धातु की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। अतः जब जब उसके लिए अपवाद स्वरूप ग्रंथ ने निर्देश किया है, यानी षष्ठ मास में गोक्षुर घृत लेना है, सप्तम मास में विदार्यादि घृत लेना है, ये जो विशिष्ट निर्देश है वो इस अवस्था के अपवाद है, किंतु जहां पे निर्देश है वो छोड़ के अन्य अवस्था में गर्भिणी को स्वस्थ वृत्त के अनुरूप स्नेहन देना ये योग्य नहीं है। स्नेहन का अर्थ अर्थात यहाँ पे स्नेहन के उपक्रम, अन्न स्निग्ध लेना ये स्नेहन से अपेक्षित नहीं है, वो तो स्वस्थ वृत्त में सबको लागू है, किंतु उसके अलावा और स्नेहपान देना, अनुवासन देना या अन्य उपयोग करवाना ये यहाँ पे निषिद्ध कहा गया है। तालुशोषिणः ये भी एक मेरे लिए प्रश्न स्वरूप है, क्योंकि तालुशोष नाम का एक विशिष्ट व्याधि है, तालुगत व्याधि, और इसके बारे में भी अधिक अध्ययन मेरा नहीं है। इसका एक और अर्थ लेते हैं लोग कि तालुशोष यानी तालु को शुष्कता होना। इसका तर्क भी हम तृष्णा की तरह से लगा सकते हैं कि क्योंकि तृष्णा, तालुशोष, गलशोष ये सारे उदक व स्रोत दृष्टि के लक्षण है। जब भी शरीर में अपव्यंश कम हो जाएगा तो हमें लक्षण देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर भी अगर हम स्नेहपान दे दे तो उसके पचने के लिए और अपव्यंश उसका खर्चा हो जाता है और तालुशोष नाम का लक्षण बढ़ भी सकता है। इसलिए कदाचित यहाँ पे तालुशोष ये अस्नेह कहा गया है। अगर तालुशोष नाम का भिन्न व्याधि संग्रहित करना है तो उसका तर्क हमें ढूंढना पड़ेगा, उसका एक सेटिस्फैक्टरी उत्तर भी मेरे पास नहीं है। अन्न द्वेष यानी जिनको जिनके अन्न के प्रति द्वेष है, अन्न देखकर भी जिनको मौसी आता है, अन्न की तरफ देखने का मन भी नहीं होता, ये बलवान रस दुष्टि का लक्षण है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर उस अवस्था में स्नेहन किया गया तो उससे अन्न द्वेष की वृद्धि होने वाली है। अर्थात हम देखते हैं कि स्नेह का अगर बड़ी मात्रा में सेवन करे तो उसकी मात्रा असात्म्य होने के कारण हम प्रायः उसका द्वेष करते हैं। इतना ही नहीं, जब अन्न द्वेष पहले से हो तो रस प्रदोष ये अत्यधिक होता है, हृदयाश्रित दोष प्रायः रहते हैं, वहां पर स्नेहन करने से रस प्रदोष, हृदयाश्रित दोष उनकी और वृद्धि होने की संभावना होती है, जिससे अन्न द्वेष बढ़ सकता है। अतः अन्न द्वेष की अवस्था में भी प्रायः स्नेहन नहीं करना है। छर्दयंतः जो छर्दन इस लक्षण से या व्याधि से पीड़ित है, अब हम सब जो ये छर्दी के सामान्य संप्राप्ति को मानते हैं उसमें ये बात हम सब जानते हैं कि
आमाशयोत्क्लेश भवा ही सर्वा छर्दियो मता लंघन मत्र तस्मात। ये चरक संहिता में छर्दी चिकित्सा का सबसे प्रथम सूत्र आया है। तो सर्व छर्दी या आमाशयोत्क्लेश भूत होने के कारण उसकी प्रथम चिकित्सा लंघन है, और फिर उसके आगे चलकर फिर मृदु अनुलोमन ये इत्यादि अवस्था उसमें आती है। किंतु आमाशयोद्भूत व्याधियों में सबसे प्रथम स्नेहन कभी नहीं आएगा, वही तर्क हमें यहाँ पे छर्दी में भी लगाना है। कभी कोई कोई क्वचित अवस्था में, उदाहरण के तौर पे बहुत दीर्घकालीन चिर प्रसक्ता ऐसी छर्दी चल रही है, तो वहां पे व्रण का निर्देश है, वहां पे स्नेहन का निर्देश है, वहां पे ये बातें कर सकते हैं, किंतु वो अपवाद स्वरूप हुआ। प्रायः छर्दी के प्रकारों में उसके सामान्य संप्राप्ति के अनुसार उसमें स्नेहन करना योग्य नहीं होगा, क्योंकि उससे आमाशय का उत्कलेश बढ़ सकता है, जिससे व्याधि के लिए अनुपशय देखने के लिए मिल सकता है। जठर आम गर अर्दिताहा, अर्दिताहा पीड़िताहा। जठर इसका अर्थ उदर व्याधि, ऐसा हम यहाँ पे लेना है। तो उदर व्याधि से पीड़ित, आम से पीड़ित, गर विष से पीड़ित, ऐसी भी अवस्थाओं में स्नेहन नहीं करना है। अब उदर में हम देखते हैं प्रायः कि अगर आप टीका देखो, डल्लन कहते हैं कि जो छिद्रोदर है वहां पर मुख्यत्वे, या बद्धोदर है वहां पर मुख्यत्वे स्नेह का निषेध है, किंतु वातज पित्तज इत्यादि उदर के प्रकारों में विशिष्ट अवस्था में हम स्नेहन कर सकते हैं। अगर आप देखो तो विरेचन के पूर्व स्नेहपान करने के लिए, उसके बाद विरेचन के पश्चात भी स्नेहपान करने के लिए विभिन्न सिद्ध घृतों के योग हमें उदर चिकित्सा में देखने के लिए मिलते हैं। अतः सारे उदर व्याधियों में निषिद्ध है ऐसा नहीं है, उसके कुछ विशिष्ट प्रकारों में उसका विशेष करके निषेध कहा गया है। आम अर्थात आम हो तो स्नेहन की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि उससे आम की वृद्धि होने वाली है, तो आम पीड़ित व्यक्तियों में भी स्नेहन कतई नहीं करना है। गर अर्दिता, गर दोष पीड़ित, गर दोष यानी संयोग जन्य विष, कृत्रिम विष। अब कृत्रिम विष या गर विष की अगर चिकित्सा देखे तो सबसे पहले उन्होंने वहां पे ताम्र से शोधन करने के लिए कहा है, वमन करने के लिए कहा है, और फिर उसके बाद सुवर्ण का उपयोग करने के लिए कहा है, और बाकी चिकित्साओं का उल्लेख आता जाता है। तो गर्भविष में भी सबसे पहले विष का निर्हरण करना आवश्यक होता है। वहां पर अगर स्नेह न करे तो गर्भ की वृद्धि, लक्षणों की वृद्धि हो सकती है, अतः गर्भविष पीड़ित व्यक्तियों में भी स्नेह नहीं करना है। दुर्बला, दुर्बल दुर्बल व्यक्तियों में अग्नि भी दुर्बल होता है, ये कोरिलेशन बहुत बार देखने के लिए मिलता है। अग्नि अग्निमांद्य या अग्नि दुर्बल्य होने के लिए बहुत सारे हेतु है, वो घृणी से लेके दोषों तक हो सकते हैं, वो दौर्बल्य से लेके उदावर तक हो सकते हैं, तो अग्निमांद्य होने के बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर शरीर दुर्बल हुआ है, शरीर का बल घटने के कारण अग्नि का बल भी घटा है, और उस कारण अजर्ण शक्ति है स्नेह व्यापक, ऐसा हिंदू कहते हैं कि जर्ण शक्ति का ह्रास होने के कारण स्नेह का सम्यक पचन नहीं होगा, और उसका सम्यक पचन नहीं हुआ तो स्नेह व्यापक होंगे, अतः दुर्बल व्यक्तियों में भी स्नेहन नहीं करना है। प्रतांताहा, इसका अर्थ गंगाधर लेते हैं ग्लानि मंता, और चक्रपाणि लेते हैं अति क्षीण द्रव धातु, यानी जिनमें द्रव धातु रस रक्त आदि या पित्त है या जो भी धातु स्वरूप है जल महाभूत प्रधान, उनका सारों का अति प्रमाण में क्षीणत्व हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो ऐसी अवस्था में भी वो कहते हैं कि स्नेहन करना योग्य नहीं है, क्योंकि जब भी शरीर में से बहुत अधिक प्रमाण में द्रव धातु बाहर निकल जाते हैं तो बहुत बार अग्नि का बल भी कम हो जाता है, रुग्ण का बल भी कम हो जाता है, और स्नेह के पचन के लिए, पच्यमान अवस्था को उसको सहन करने के लिए अग्नि बल और शरीर बल अच्छा होना यह अत्यंत आवश्यक है, अतः यहाँ पर भी उसका निषेध कहा गया है। आगे स्नेह ग्लाना, हाँ ग्लायंती न रुष्यंती, ऐसा गंगाधर जी का कहना है कि जो पहले ही स्नेह पान से या स्नेहन उपक्रम से ग्लानि जिनको आई है, जिससे जिनको स्नेहन के दर्शन स्पर्शन से हर्ष बिल्कुल नहीं होता, उनको भी हम स्नेहन नहीं कर सकते, उनमें कुछ कारणों वशात स्नेह की प्रति उनको द्वेष है, स्नेह या और उसका कारण क्या हो सकता है, अर्थात कि स्नेहन का नित्य रूप से अधिक प्रमाण में सेवन किया गया हो तो ग्लानि आना सुसंभव है। ऐसी अवस्था में और स्नेहन करना या अनुपस्य प्राप्त कर देगा, अतः यहाँ पर भी उसका निषेध कहा है। और मदातुराहा, मद और आतुर, मद से पीड़ित। अब मद कैसे आता है, मद्यपान से मद आता है, पुग से मद आता है, मद का अर्थ होता है नशा। अब नशा यानी क्या एग्जैक्टली अर्थ है, तो गंगाधर जी कहते हैं सर्वदा मद रोगार्ता,
एक तो अर्थ ऐसा है कि मद नामक जो रोग है, मद मूर्छा संन्यास, उस रोग का अनुबंध होना, जो हमने अभी भी मूर्छा के बारे में देखा था वही तर्क यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मद मूर्छा संन्यास इनके संप्राप्तियों में बहुत सारी बातें सामान्य है, कॉमन है। ये सारा विषय आपको विधि शोणिति में देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ मदातुरा का और क्या अर्थ ले सकते हैं, मद्यादि पानज मद्य नित्या, जो मद रोग से पीड़ित नहीं है किंतु जो नियमित रूप से मद्य इत्यादियों का पान करके वो उनको हमेशा मद चढ़ा रहता है, वो हमेशा नशे में धुन रहते हैं, ऐसे जो लोग होंगे उनके लिए भी हमें स्नेहनक निषिद्ध ये कहा गया है। उसके बाद जो आता है वो न वर्तमानेषु नस्तः बस्ति कर्मसु, जब नस्य कर्म कर रहे हैं या बस्ती कर्म चल रहा है उन कर्मों के दिनों में, ड्यूरिंग दोज डेज न स्नेहन नहीं करना है। अष्टांग संग्रह में तीन कर्मों का उल्लेख आता है, विरेचन भी आता है, इसलिए इंदु कहते हैं नस्यादि त्रितये, नस्य बस्ती विरेचन, इन कर्मों के दरमियान जब इन कर्मों का दिनों में उनका एग्जीक्यूशन हो रहा है तो आ दोष साम्या स्नेहा न योज्यः, पहले ही इन कर्मों के दरमियान क्या होता है तो दोषों की गति ये कोष्ठ गति होती रहती है, अतः शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का क्षोभ होता है। अग्नि भी डेलिकेट होता है, डेलिकेट यानी क्या, उसमें मंदत्व आना ये सहज संभव है, क्योंकि दोषों का जो कोष्ठ गति है, वायु की गति जो बदल गई है, उसके कारण अग्नि का भी बल कम होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस अवस्था में अगर हम स्नेहन देंगे तो उससे दोषों की गति बदल सकती है, दोषों में उत्कृष्ट हो सकता है, अग्निमान्द्य हो सकता है, अतः कर्मों के दरमियान हमें भिन्न प्रकार से स्वेदन देने की स्नेहन देने की अनुमति नहीं है। और वो स्नेहन कब देना है, आ दोष साम्यात, प्रायः संसर्जन कर्म के बाद दोष साम्य की अवस्था पुनः प्रस्थापित हो जाती है, और उस अवस्था में हम वहां पे स्नेहन का बारे में सोच विचार कर सकते हैं, तब तक उसको स्नेहन नहीं देना है। डलन कहते हैं इसी बात के पीछे का तर्क, सद्य शुद्धत्वेन अग्निमान्द्य तृष्णा क्लमादि अतियोगाश्च, वो कहते हैं कि जिनका अभी अभी शोधन हुआ है नस्य के कारण, बस्ती के कारण, विरेचन के कारण, इनमें अग्निमान्द्य तृष्णा क्लम इत्यादि लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, और उसके साथ साथ अतियोग भी हो सकता है, यानी अग्निमान्द्य तृष्णा क्लम इत्यादि लक्षण के लिए ये स्नेहपान तो अनर्ह है ही, उसके साथ साथ अतियोग होने की संभावना रहेगी, क्योंकि अगर सद्य शुद्ध अवस्था में जब अग्नि का बल बहुत कम होता है वहां पे अगर स्नेहन दिया गया तो अग्नि उसको नहीं बचा पाएगा, और उसके अजीर्ण के कारण शरीर में से द्रव मल होना, छर्दन होगा, ऐसे बहिर्प्रवर्तन के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण पहले से ही दुर्बल रुग्ण में और बलक्षय हो सकता है जो उसको अतियोग की तरफ ले जा सकता है। अतः सद्य शुद्ध व्यक्ति में भी स्नेहन तुरंत नहीं करना है, कब उसके बारे में सोच सकते हैं, आ दोष साम्यात, उस कर्म के कारण जो दोषों में वैषम्य आया है, क्षोभ आया है, उसको शांत होने के बाद ही वहां पे स्नेहन के बारे में सोचना है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं किया, स्नेह पानात प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणाः, इन सारी अवस्थाओं में अगर इन अवस्थाओं को ना समझे, स्नेहपान दिया गया तो सुदारुणाः रोगाः प्रजायन्ते, अत्यंत दारुण, अत्यंत संकट लाने वाले, सिद्ध होने के लिए बहुत ही कठिन इस प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, जिन्हें हम स्नेह व्यापद में देखने वाले हैं। स्नेह व्यापद में जो भिन्न भिन्न व्यक्ति अवस्था या व्याधियों का वर्णन आया है उनको यहाँ पे उन्होंने निर्देश किया गया है कि उस प्रकार के व्याधि अवस्था ये यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं। अतः इन सारे तीन या 3.5 सूत्रों में मिला के जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं कही गई है वहां पे स्नेहपान नहीं करना है। तो इस प्रकार से के न स्नेह, कौन स्नेहन करने योग्य नहीं है, लायक नहीं है, उसका उत्तर भी यहाँ पे पूर्ण हुआ। तो आज का जो विषय अंश है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, उसके आगे का सूत्र लेके आगे के सत्र में आऊंगा, किंतु अगर आज किसी को कोई प्रश्न हो तो यहाँ पे वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न आया है उसको देखता हूँ। भाई वैद्य गर्भिणी मत नित्य मात्रा बस्ती देता तो योग्य है का योग्य, देखिएगा आप बस्ती का अर्ह अनर्ह देखो, आप अगर अष्टांग हृदय बस्ती की जो सूत्र संघ बस्ती का अध्याय है उसमें देखोगे तो गर्भिणी में उन्होंने बस्ती का निषेध कहा है एक्सेप्ट अष्टम नवम मास, अष्टम मास में निरूह आता है,
जो बद्रादि निरूह है, अष्टम नवम आसन में अनुवासन भी दे सकते हैं, किंतु ये जो अभी हमने सारी बातें देखी कि गर्भिणी का अग्नि बल, गर्भिणी का जो अभिछंद होता है, कभी कभी क्लेद वृद्धि होती है, प्रसव वृद्धि होती है, उसके अनुसार उसको मातृभक्ति देना नित्य रूप से ये सर्वथा योग्य होगा ऐसा नहीं है, किंतु ये सारी बातें हम गर्भिणी में स्वस्थ गर्भिणी के अनुसार देख रहे हैं। अगर किसी गर्भिणी को कोई व्याधि हो, कोई मलसंगादि लक्षण हो, और उस लक्षणों के लिए अगर वो कोई वहां पे विशेष कार्य कर रहे हैं चिकित्सा के लिए अवस्थावशात, तो वो हम समझ सकते हैं। अगर ऐसा प्रयोजन है कि अपान क्षेत्रों को मृदु करना है, सुकुमार करना है, तो आगे चल के वात का अनुलमन होते रहना चाहिए, तो वो बात करने के लिए ग्रंथकार ने 8वें और 9वें महीने में से करने के लिए कहा है। पहले 7 महीने में वो उपक्रम करने का अवसर नहीं है, वो केवल अंतिम के 2 महीने में करना है। उतना करने के बाद बिना कोई व्यापत, बिना कोई विकृति हुए हमारा कार्य ये साध्य हो सकता है। अतः अगर गर्भिणी या अन्यथा स्वस्थ है, तो उसमें ग्रंथ ने मात्रा बस्ती या कोई भी प्रकार का बस्ती नित्य रूप से देने का निषेध किया है। ठीक।